हेलो फ्रेंड्स, संडे स्पेशल ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पूरी जर्नी बताई थी, हम घर तक पहुंच गए। अब हम सेकेंड डे निकले, मतलब ईद के एक दिन पहले हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद। तो ये हम मेट्रो में चल रहे हैं। देखिए, वहाँ की अफ्तारी बहुत अच्छी होती है। तो वहीं पे जो गुंबद पे जो चांद दिखाई देता है वो बहुत स्पेशल नज़ारा होता है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ जाने का डिसाइड किया। देखिए, हम ये जामा मस्जिद आ चुके हैं। हम मेट्रो से उतरे थे चावड़ी बाज़ार, वहाँ से ई रिक्शा करके हम मस्जिद आए हैं, जामा मस्जिद। ये देखिए, यहाँ पे देखिए सब अपना अपना लगा के बैठे हैं और रोज़ा खोलने की तैयारी में। शाम हो चुकी है। यहाँ पे अजान हो चुकी है। देखिए, सब अपना अपना रोज़ा खोल रहे हैं, रोज़ा उतार रहे हैं। आखिरी रोज़ा है उस दिन और ईद का चांद दिखने वाला है। देखिए, बहुत अच्छा माहौल लगा मुझे। लेडीज जेंट्स सब एक साथ बैठे थे, सब ने एक साथ नमाज भी पढ़ी, सब ने एक साथ अपने अपने फैमिली के साथ रोजा खोला यहाँ पे। कुछ आपकी रूटीन लाइफ से हट के कुछ होता है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, तो वो चीजें हमेशा यादें बन के रह जाती हैं। देखिए, चांद दिखाई दे रहा ऊपर, मैंने जो राउंड सर्कल दिया है इसमें देखिए आप। देखिए, चांद के बाद यहाँ पे नमाज हुई, नमाज के बाद फिर एक मौन जुलूस निकाला था सिर्फ टॉर्च की लाइट में, फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए, अल्लाह से मदद मांगने के लिए, उनकी हिफाजत करे अल्लाह, इसलिए एक मौन जुलूस यहाँ पे निकाला गया था नमाज के बाद। ये उसका वीडियो है। ये देखिए, चांद दिखाई दे रहा ऊपर। यहाँ पे वजू किया जाता है, वजू खाना कहते हैं इसे। नीचे देखिए पानी भरा हुआ है इसमें। ये देखिए, यहाँ पे गुम्बद और ये सारा नीचे दिखाई देता पानी में पूरा। मुझे पानी हिल रहा है तो वो फिक्स नहीं हुआ। फिर हम आ गए मार्केट, वहां से जामा मस्जिद वाले एरिया में। बहुत ज़्यादा ईद की रौनक है यहाँ पर, सेवैयाँ, फेनी, ये सब मिल रहे हैं। ये लखनऊ का फेन के लोग में डाल के खाते, हम भी लेकर आए थे इसको घर पे। ये लखनऊ में बैठे बहुत एंजॉय करा हमने यहाँ पे, लेकिन क्यों होती बस हम लोग क्राउड से थोड़ा बढ़ाते, छोटे शहर के लोग हैं इसलिए, लेकिन फिर भी बहुत एंजॉय किया। तुम्हें मोहब्बत का शरबत बना उसको भी मैंने कवर किया है, वो यहीं से मैं देख कर आई थी। देखिए, ड्राई फ्रूट्स का मार्केट, ये मोहब्बत का शरबूज का जो वाटर मैलन का मार्केट। देखिए, कचौड़ियाँ कितनी बढ़ रही हैं, बहुत कचौड़ियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पर कचौड़ियाँ किलो से भी डेढ़ एक किलो आधा किलो। हाँ, कचौड़ियाँ की खुशबू भी आ रही है। बच्चे ही मोहब्बत का शरबत पीते हुए होटल शरबत मोहब्बत उस दिन, क्योंकि ईद का एक दिन पहले का था तो सारा गेटअप बना के खड़े हुए थे, नॉर्मल होते हैं। मोहब्बत का शरबत तो हमेशा मिलता है यहाँ पे, बारह में पूरे साल भर मिलता है। देखिए, हम रिटर्न होते हुए, रिटर्न में हम करीम का खाना खाया था। करीम वहाँ की फेमस होटल है, तो हम ये करीम में जाते हैं। बहुत अच्छी डिशेज होती हैं इसकी, और मतलब साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी अच्छा होता है, बहुत लोग खाते हैं, क्राउड तो बहुत अच्छा। इधर छोटे छोटे बच्चे बैंगल्स बेच रहे थे, चूड़ियाँ, सब एक एज के ही बच्चे थे, आठ दस साल के सबके हाथों में चूड़ियाँ। तो बच्चे की हेल्प करने के हिसाब से हमने सोच रही थी, फिर हमने भी पेन लिया है। मैं आगे
और फिर हम घर की तरफ रिटर्न हो गए मेट्रो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।